ये देखें कितनी मज़े की तैयार हुई है हमारी मसालेदार गोभी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी मसालेदार गोभी। इसमें हमने 1.5 किलो गोभी, हमारे पास 100 ग्राम ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। बहुत ही मज़े की बनती है, आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन हम इसमें पानी डालें, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। इंशाल्लाह आपको ये हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हल्का सुनहरा होने तक पकाएंगे अपने प्याज़ों को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें प्याज हमारे सुनहरे हो चुके हैं। अब इसमें ग्रीन टमाटर ऐड करेंगे, पाँच मिनट के लिए भुनेंगे अपने टमाटर को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई मिक्स करेंगे। एक मिनट के लिए भुनेंगे, मरीज 1 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें अपने कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1, 2, 1/2 टीस्पून, 2.5 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर, हसबे जायका नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे। पाँच मिनट के लिए भुनेंगे, 5 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें अपनी गोभी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गोभी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। ये देखें अदरक और लहसुन को मैंने बारीक काट के ऐसे रख दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के ये ऐड करेंगे। ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे, 10 मिनट बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करेंगे। मज़ीद 5 मिनट के लिए
और भुनेंगे अपनी गोभी को। हाफ डन हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो चुके हैं। देखें कितना है सुनहरा। बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मसालेदार गोभी की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें कितनी मज़े की तैयार हुई है हमारी मसालेदार गोभी की रेसिपी। तो चलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।